अरे ये क्या, अब इसको किसने मार दिया? ये आई न्यू इट, आई एम द बेस्ट गाइस। अरे भाई जोकर की गर्लफ्रेंड ऑलवेज प्रोटेक्ट जोकर भाई। तो और मेरे भाई क्या हाल चाल यार, फाइनली हमने कल खत्म किया 2 घंटे 5 मिनट, ठीक है 2 घंटे 5 मिनट का मूवी BGMI या फिर पबजी का। और आज हम जाके देखने वाले हैं जो पिछली बार छूट गया था, ठीक है, जिसमें भाई साहब विलेन जो थी वो लड़की थी और उसके पास आउटफिट जो था वो भाई साहब न्यू एक्ट सूट था, ठीक है, लड़की वाला। तो आज की इस वीडियो में भाई उसी को कंटिन्यू करने वाले। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो भाई डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वो जाके देख लेना, मस्त स्टोरी है भाई साहब, फाइट भी ओपी होता है। तो शुरू करते बिना किसी बकचोदी के, और मैं बाद में बोलना भूल जाता हूँ तो अभी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलो अच्छा काम किया फेरो। चलो भाई तो लास्ट एपिसोड में हुआ यह था कि भाई इस विलेन ने, ठीक है, इस एक्सूट ने फेरो को भाई साहब मैनिपुलेट किया था या फिर कुछ जादू किया था, जिस कारण से फेरो ने अपने दोस्तों को भाई साहब हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम हो यहाँ के लीडर भाई, हंसी काते ले भाई, हंसी जाए। एक सूट इतने कमजोर से। अच्छा तुम्हें मैं इतना ही कमजोर लग रहा हूँ तो एक बार फाइट करके देखो, तब पता चल जाएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास फाइट करने का, मुझे बस तुम्हारे पावर्स से मतलब है। क्या मेरी पावर्स? आखिर कहना क्या चाहती हो? भाई पावर गया, ओ सभी पावर खींच लिया। तुम तो पोसाइडन के साथ थे, यहाँ कैसे? अरे उसने मुझे कहा कि एक बार वेकेंडी जाके चेक कर आऊं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक तो है, क्योंकि उस महारानी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है। एवलांच तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, जब तक मैं हूँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विक्टर को अच्छे से जानता ही कि तुम सब संभाल लोगी। एवलांच एक काम करो, हमें भी साथ ले चलो, इस बार उसको ऐसा मजा सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेगी। कार्लो तुम्हें याद है उसने पहले क्या किया था तुम्हारे साथ? फॉर्म फिट करके तुम्हें किसी कोने में छोड़ दिया था वीकेंडी है। अब अगर इस बार जाओगे तो क्या पता तुम्हारी पेटी ना बना दे वो अपने हाथों से, तो इसलिए रहने दो। तो फेरो आ गया भाई इन लोगों को भी लेने, ये किसी और के कब्जे में है, यानी कि फेरो भाई सब हो चुका है मैनिपुलेट, ठीक है। अब इस टाइम यहाँ पे कौन आया? तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ कौन है। अरे फेरो तुम यहाँ कैसे? तुम तो उस महारानी को मारने के लिए गए थे ना? हाँ मैं उसको मारने के लिए ही गया था, पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई इसलिए मुझे पोसाइडन की हेल्प लेनी पड़ी। तो हम दोनों ने मिलकर उसको खत्म कर दिया, पर पोसाइडन को काफी डैमेज मिला है, वो चलने की हालत में नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ले आया ताकि तुम कुछ कर सको। क्या कहाँ पे वो इस टाइम? बस यही थोड़ी दूरी पे है, आओ मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। भाई 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 इसने इसके साथ फाइट नहीं किया ताकि भाई टाइम वेस्ट ना हो, चलो सही बात है ये भी। अरे ये एवलांच कहाँ गया? वो तो अभी बाहर आया था। हाँ अरे ये क्या, ये तो फेरो है, ये इसके साथ कहाँ जा रहा है? चलो ये भी पीछे पीछे। नाइस फेरो तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उसे यहाँ पे छोड़ा था? हाँ हाँ मैंने यही छोड़ा था, पर पता नहीं कहाँ गया वो, इस जगह से कोई और तो नहीं ले गया उसे, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। उसको छोड़ पहले अपने आप को बचा। अरे भाई जहर भाई धोखा दे दिया। तुम लोगों को पकड़ना तो काफी आसान है, आ, 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 आ। चलो अब महारानी के पास ले गया फेरो भाई। आखिर ये फेरो ने किया क्या, मुझे बाकियों को जल्दी बताना पड़ेगा। अब मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ, ये अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है मेरा। एंजल प्लीज पिक अप द फोन। ओ पिक अप द फोन, विंटर क्वीन की कॉल। आखिर क्या बात हो गई, पूछती हूँ। हेलो हेलो एंजल, मैं विंटर क्वीन, तुम कहाँ पर हो इस वक्त? मैं तो एंगल में ही हूँ, क्यों क्या हुआ? तुम बाकियों को अलर्ट कर दो, फेरो बदल चुका है, उसने अभी अभी एवलांच पर हमला किया और उसको किसी महारानी के पास लेकर चला गया। क्या फेरो ने अटैक किया उस पर? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपने आंखों से देखा है एंजल, उसने यही बोला था अपने मुंह से। ठीक है तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं कुछ करती हूँ। चलो ये ठीक हो गई। और मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, अंकल आंटी को बता देती हूँ।
अंकल आंटी। अरे तुम अपने बेड से क्यों उठ गई? अभी तुम्हारी तबीयत पूरी सही नहीं हुई है। मेरी बात सुने, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे वापस जाना होगा अपने दोस्तों के पास। अरे बेटा इतनी जल्दी जा रही हो, थोड़े दिन और रुक जाओ, पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। उन्हें मेरी जरूरत है। और हाँ, आप लोगों ने मेरे लिए जितना भी कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। तो ठीक है, बाय अंकल आंटी। तुम अपना ख्याल रखना। अरे ये तो वही जगह है जहाँ से पहले हमने फैरो को आजाद कराया था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम अपनी वाइफ की बातें मानोगे ना कि हमारी। अपनी औकात में रहो और चुपचाप महारानी का वेट करो। महारानी गई भाड़ में, तुम्हें देख लूंगा फैरो। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लियो जब टाइम मिले। भाई 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 फनी यार, फनी टू मच फनी। टाइम मिले तो देख लियो भाई। नाइस यार, अभी कहते यार महारानी जेर भाई। तुम दोनों का आखिर प्लान क्या चल रहा है? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे, तो बस अब तुम चुपचाप खड़े रहो। भाई इसका भी पावर ले लिया जाएगा। आई डोंट नो अब क्या करने की कोशिश किया है, और बस अब लौट गया भाई, पावर लौट गया भाई। ये भी हो गया भाई खत्म। पावर जाने के बाद सूट चेंज होना चाहिए था ना। जोकर तुम कितने ओ भाग के इधर आ गए? वहाँ पे फाइट नहीं हो रही थी क्या तुमसे? उस जगह पे इतना मजा नहीं आता फाइट करने में, यहाँ पे बहुत आएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे लेके आए हम। फाइट करते वक्त तुम्हें मजा भी चाहिए, मैं पूरा मजा दूंगा तुम्हारी पीढ़ी बनने का। वो अब सॉन्ग पे कर। अरे ये वो सॉन्ग नहीं है जहर भाई, इन लोगों का ताकत ना भाई मस्त है यार। ओपी यार कतई जहर, ये देखो भाई आए हाय। ओहो ये मार दिया। ओ भाई गया एक तो। अरे भाई मॉडल की जैसे इंदिरा है तो। ओए जोकर तूने इसके ऊपर कौन सा अटैक करा जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई? उसकी तरफ देख पहले। इस अटैक को बोलते हैं पेटी भी ना मिलना, इतना खतरनाक अटैक है। अच्छा ऐसी बात, अब तू मेरे अटैक्स देखियो। पेटी भी ना मिलना भाई, तो रेडी हो जा। ओपी अटैक पैरो। नहीं 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 कोई और है। ओ ओ आई न्यू इट। अगर आपने भाई साहब वो जो भाई 2 घंटे का मूवी देखा है ना, तो उसमें भाई साहब जोकर का जो गर्लफ्रेंड था वो हमेशा आके बचाती थी। आई न्यू इट भाई, हो सकता है 200% भाई। ठीक है। अरे ये क्या, अब इसको किसने मार दिया? ये आई न्यू इट, आई एम द बेस्ट गाइस। अरे भाई जोकर की गर्लफ्रेंड ऑलवेज प्रोटेक्ट जोकर भाई। अकेले अकेले फाइट कर रहे हो जोकर, मुझे बुलाया भी नहीं। ओए होए तुम, मैं तुम्हें इतने दिनों से ढूंढ रहा था, कहाँ पे थी तुम? अरे मैं यही कहीं पास में थी, एक अंकल आंटी ने मेरी बड़ी हेल्प करी थी। मैं वहीं पर थी थोड़े दिन क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मैं तो डर ही गया था। जोकर विंटर क्वीन की कॉल आई थी, उसने बताया कि फेरो ने तो इतना ढूंढने के वजह भाई ये कॉल ही कर लेते भाई। अभी मुझे भाई ये पॉइंट आया है। अवलांच पर अटैक किया और वो उसको महारानी के पास ले गया। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो लोग उसके साथ क्या ना क्या करें हमें कुछ नहीं पता। अगर फेरो बदल चुका है तो हमें उसे जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, वरना और मुसीबत बढ़ जाएगी। तो चलो यहाँ से। हाँ, चलो 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 जादू भाई इस मैजिक। तो लिविक पे आई थिंक, नहीं कितना ऐड आ रहा है। ओए परमिशन लिए तूने यहाँ पे आने की, जल्दी बता। फेरो किसी का परमिशन नहीं लेता। पेटी भाई सीधा पेटी, मौत के घाट। सिल्वेनस मेरे भाई कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया फेरो, तुम बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ आज? अरे वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पूरी बात बताओ, मेरी एक काफी अच्छी दोस्त है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो चलोगे मेरे साथ? वही ना जो तुम्हारी वाइफ है,
और उसके पास ले जाके मुझे कैदी बना लोगे। ओ पहले से पता था इसको। चलो सही है। क्या क्या कह रहे हो ये ऐसा कुछ नहीं है। इतने शरीफ मत बनो, मुझे सब पता चल चुका है कि तुमने क्या किया पोसाइडन के साथ और एवलांच के साथ। ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। भाई ये तो एक ही में भाई। अरे यार गोदी में उठा उठा के ला लेकर ये अच्छा था भाई, जादू से जाने से अच्छा भाई ये मस्त था। नाइस यार, इसका भी पावर लूटा जाएगा। तुम पे पूरा यकीन था पर तुमने भी आज धोखा दे ही दिया इस महारानी के चक्कर में। चलो ये भी आ ही गया, इसकी भी पावर्स ले ही लेती हूँ। मेरी पावर्स लेने से पहले एक बात याद रखना कि ये पावर्स तुम नहीं संभाल पाओगी। अरे इतना ज्यादा पावर था तो वो फेरो की एक छोटी सी पावर से वो हो गया ना। और आखिर लास्ट वाले की भी ले ही ली मैंने पावर्स। एक काम करो, इसको भी ले जाकर कैद में डाल दो। और बताएं महारानी आगे क्या करना है। अभी तुम इन सब पे नजर रखो और बाकी मैं अपनी पावर्स अंदर जाकर मैक्स करती हूँ। और कोई अंदर नहीं आना चाहिए, समझ गए? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब सॉन्ग आएगा, ये सॉन्ग ओपी। वीडियो कैसे लगी जल्दी से कमेंट। वीडियो ओपी लगी भाई साहब, लाइक पहले ही कर दिया है, सब्सक्राइब तो भाई साहब कितने दिन पहले किया था। और एक चीज़ बता दूँ, जब मैं ये वीडियो देख रहा था सबसे पहले तो कहा गया था कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो लास्ट होने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना लास्ट पार्ट देखने के लिए। और मिलता हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ये पहले बोलना चाहिए था, मिलता हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये लास्ट में बोलना चाहिए था लेकिन मैंने कुछ अलग ही कर दिया। आई एम यूनिक बिकॉज। तो चलो बाई आज के वीडियो में, बस इतना। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए।